सफाई को दिलवाने के लिए संकल्प बन रहे हैं। तो आप ये कौन कौन अपना संकल्प लेके यहाँ पर प्रतिज्ञा लेके कसम खा के जा रहा है कि भी दूसरी मीटिंग में यहाँ लाखों की संख्या में लोग होंगे, आप कसम कौन कौन लेके जा रहा है पता ही आप करेगा। मिटा कर अपनी हस्ती को अगर कुछ मूर्त बचा है कि दाना खाक भी मिलकर बोले जा पड़ता भाई ऊपर वाले को भी कसम जाए। और ये शायद नहीं दरअसल भैया, जब तक आप सुस्त रहोगे कि सबसे बड़ा इंसान का शत्रु कौन है, आलस्य। आप बैठे हैं और दो बात सुन के चले, फॉर्मेलिटी के लिए मत आइए। मैं कहता हूं फॉर्मेलिटी के लिए मत आइए, आना है तो कुछ जज्बात लेके आइए और कुछ इसके लिए जो परिषद हमारा डी ऑन इसके लिए कुछ लेके चलिए। लेकिन अगर आपने दिमाग में फॉर्मेलिटी भाई बैठ गए 10 मिनट भाषण सुन लिया चले गए डीएम की फॉर्मेलिटी पूरी हो तो ये कभी जिंदा नहीं होगा। बीज को मिट्टी में डालोगे तो उसका पालन पोषण करना पड़ता है, तभी पैदा होता है, तभी वो फूल मिलता है, तभी गुणसन बनता है। आप जो हमें डीओएम का डॉक्टर साहब ने पौधा लगाया है उसको हरा भरा करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए आपको आज प्रतिज्ञा लेनी। तो भैया हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन प्रतिज्ञा ले। संकल्प बद होके अपने मन में ये धारणा बिठा के आज हम ये प्रतिज्ञा लेके जाते हैं कि आने वाले समय में डीओएम के अंदर लाखों लोग होंगे और सबको मिलने मिलेगा, सबको इंसान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये साथियों नमी बदले, मैं भूल गया था, नमी बदले जहां बदले चाहे सारा संसार बदले। और अगर मैं डीओएम के लिए बदलूं तो मुझसे मेरा खुदा बदले। जय हिंद, धन्यवाद।